तो ये हमारा GoPro Hero 10, ये पड़ गया है 42,000 के आसपास। देखते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिकॉज टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि तुम्हारे भाई ने ले लिया GoPro Hero 10। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, तो मैं आपको इसका कवर दिखा देता हूं आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने ये दुबई में कहां से परचेस किया है, और लोकेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो लोकेशन मैं आपको बताता हूं पहले। अबराज सेंटर सबका जो बस स्टैंड है उसी के पास ये शॉप है, और शॉप नंबर 19, वहाँ पे आप जाके, बहुत सारे कैमरे हैं वहाँ पे, आप जाके देख सकते हो। कैमरे आपको मैं बताना चाहूँगा, सोनी, कैनन, निकोन, एप्पल और बहुत सारे आपको मॉडल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। क्योंकि मैं जब लेने गया था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि कौन सा मैं कैमरा लूँ। तो GoPro 10 मैंने दिमाग में पहले ही बिठा रखा था कि मुझे ये लेना है, क्योंकि इसकी वीडियोज़ हम देखते थे, काफ़ी अच्छा मुझे लगता था। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, जो आगे स्क्रीन भी दिया, जो वीडियो बनाने में काफ़ी हमें सपोर्ट करने वाली है, जो इसका रिव्यू है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी। तो जो हम रिव्यू करेंगे वीडियो क्वालिटी और क्या उसके अंदर के जो फीचर्स हैं वो हम अगली वीडियो में बताएँगे। तो बात करें हम इसके यूज़ की, तो सबसे ज़्यादा यूज़ इसका मोटर ब्लॉगिंग या रेगुलर की जो लाइफ स्टाइल है वो दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे रीजन, बहुत से तरीके इसको यूज़ करने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने GoPro यूज़ नहीं किया है, तो ज़्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो जितना कुछ है इस पर लिखा हुआ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो यार, जिससे हमारी जो आगे वीडियो आने वाली है वो आपको मिलती रहेंगी। चलिए अभी हम जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि क्या क्या इसमें दिया है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं हम अभी कैमरे के फीचर्स की। तो इसमें 23 मेगापिक्सल कैमरा दिया है, 5.3K 60 पे हम वीडियो शूट कर सकते हैं, 4K 120 पे हम वीडियो शूट कर सकते हैं, और इसको हम अंडर वाटर भी लेके जा सकते हैं 33 फीट नीचे तक। और वॉइस कंट्रोल, जो हम वॉइस को रिकॉर्ड करने में भी अच्छा है ये, स्लोमो, एडेक्स स्लोमो है, डाटा ओवरलेस, टाइम वॉर्प 3.0, 1080p पे हम लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, सुपर फोटो, HDR, रो फोटोस क्लिक कर सकते हैं, और अपलोड ऑटोमेटिकली टू द क्लाउड, वेबकैम मोड मोड रेडी। तो ये हैं इसके फीचर्स। और प्रोसेसर की बात करें तो GP2 प्रोसेसर के साथ है, और इसका हम ऐप भी यूज़ कर सकते हैं, ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब इसके फीचर्स हैं। तो अभी हम इसको ओपन करने वाले हैं। ओपन करने पे आपको मिलता है एक बॉक्स जिसपे GoPro का लोगो बना हुआ है, और इसको ओपन करते हैं। ये है हमारा GoPro Hero 10, और सामने कुछ रखे हुए हैं पेपर जो कैमरे की नॉलेज के लिए, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कैमरे के बारे में। और इसके साथ में मिलता है मैं कुछ एसेसरीज, तो निकालते हैं हम। ये है टाइप सी डाटा केबल जिससे हम डाटा ट्रांसफ़र और चार्जिंग भी कर सकते हैं, और साथ में कुछ माउंटेन
और ये कैमरे की बैटरी। और ये हमारा हीरो 10, तो इसको अभी हम निकालते हैं। तो कैमरे के ऊपर स्टिकर सा लगे हुए हैं। अभी हम हटाने वाले हैं इसके ऊपर का रैपर। तो ये हमारा GoPro Hero 10। यह है, और अब हम जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये है बैक डिस्प्ले, जिसमें हम वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देख सकते हैं। और ये साइड में दिया है बैटरी के लिए, बैटरी डालने के लिए। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, ये है फ्रंट डिस्प्ले भी इसमें दिया है, जो GoPro 9 में भी है। तो हमेशा से मैं कंफ्यूज रहता था कि जो GoPro है वो पहले GoPro 7, 8 में शायद फ्रंट डिस्प्ले नहीं थी। तो मैं सोचता था कि कैसे लोग आगे से शूट कर लेते, कैसे एंगल सेट करते, कैसे क्या करते। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें जो फ्रंट डिस्प्ले भी दी है वीडियो शूट करते टाइम, आप इसमें खुद को देख भी सकते हैं। तो साइड में दिखा देता हूँ मैं आपको, मोड का बटन है जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके साइड में 10 ब्लैक का लोगो बना हुआ है। मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा शूट नहीं हो पा रहा है सही से। और नीचे के साइड दिया है एंगल, जो जिसमें हम ट्राइपॉड और स्टैंड लगा सकते हैं और कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं। दूर से ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है तो मैं पास में लेके दिखाता हूँ आपको। तो ये साइड में बैटरी का ऑप्शन दिया है, और उसी में दिया है मेमोरी कार्ड डालने का, ये साइड में आपको दिख रहा होगा। और चार्जिंग का सिस्टम सब एक ही में है। तो अब तो अभी हम इसमें डालने वाले हैं बैटरी, और बैटरी डाल के चेक करते हैं फिर। तो अभी हमने ओपन कर दिया है और अब हम ये हो गया है ओपन यहाँ पे। तो ओपन करने पे सबसे पहले GoPro का लोगो आ रहा है, और यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि ये टोटल स्क्रीन टच है। और ये अभी हमें GoPro का जो ऐप है वो डाउनलोड करने के लिए बता रहा है, तो हम पहले इसका ऐप डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में। तो अभी हम अपने फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड कर लेते हैं GoPro का। तो फाइनली हमने फ़ोन के साथ इसको अभी कनेक्ट कर दिया है, तो आप इसे देख सकते हैं अभी। तो अभी हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है। तो बात करें अभी रिव्यू की, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसकी, कि वीडियो क्वालिटी कैसी है, क्या है। इसी GoPro से वीडियो शूट करके हम दिखाएंगे उसको, बिकॉज अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है।
तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की कि इसका प्राइस क्या है और दुबई में इसका प्राइस क्या है, इंडिया में इसका क्या प्राइस है। तो इंडिया से थोड़ा सस्ता है यहाँ पे, दुबई में जो इसका प्राइस है थोड़ा सस्ता है यहाँ पे। तो हम इंडिया का प्राइस पहले हम चेक कर लेते हैं कि कितना क्या है। तो फाइनली इसका इंडिया में जो प्राइस है वो है 48,990, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। आप चेक कर सकते हो नेट पे कि क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो सही से नहीं दिख रहा है। और जो दुबई का प्राइस है वो मैंने लिया है, यहाँ का मेरे को पड़ा ये 1500 दिरहम। तो इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करते हैं, इंडियन मनी में हमने कन्वर्ट किया है तो ये पड़ रहा है हमें 32,400 का। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया से यहाँ पे थोड़ा सस्ता है। जो इसके साथ साथ चीज़ें मुझे मिली थी वो मैंने आपको दिखा दी, और जो मैंने अलग से लिया, जो अलग से मैंने परचेस किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं बंद करके रख देता हूँ। अलग से लिया वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी जो एक्सेसरीज अलग से हैं। तो ये है इसका बॉक्स, ओपन करता हूँ आपके सामने। तो ये इसकी फुल एक्सेसरीज जो मैंने अलग से खरीदी है, तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको क्या उसका यूज़ है। ये ट्राइपॉड जो हम इस पर कैमरा रख के वीडियो शूट कर सकते हैं। और सेकंड देखते हैं, ये इसमें हम कैमरा सेट करके अंडर वाटर जा सकते हैं। अगर हम अंदर वीडियो बनाते हैं पानी में और अचानक से मेरे हाथ से फ़ोन या ये कैमरा छूटता है तो ये पानी के अंदर नहीं रहेगा, ये कैमरे को ऊपर लेके आ जाएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी। और इसके साथ आती है, इसके साथ मुझे मिली है ये स्टिक, जिसको हम कैमरा सेट करके कहीं भी शूट कर सकते हैं कुछ भी। ये शायद चेस्ट का है, हम चेस्ट पे या साइकिल मोटर ब्लॉगिंग कुछ भी करने के लिए हम चेस्ट पे लगा के शूट कर सकते हैं। और हम चेक करते हैं, ये शायद कार या कहीं पे सेट करके हम कैमरा सेट कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं इसको। और बहुत सारी एक्सेसरीज है जो अभी मुझे खुद नहीं पता है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगा, अभी मैंने यूज़ नहीं, इसके पहले मैंने कभी GoPro चलाया ही नहीं है। तो बहुत सारे ट्राइपॉड, बहुत सारे एक्सेसरीज, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ये शायद आप हेलमेट पे लगा के यूज कर सकते हो या अपने सर पे लगा के यूज़ कर सकते हो सेट करके, देखते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, बहुत सारी एक्सेसरीज है लेकिन मैं सबके बारे में नहीं बता सकता, मुझे पता खुद नहीं पता है अभी। एक मेमोरी कार्ड 128 GB जो मैंने अलग से लिया, और मैंने लिया एक बैटरी और एक चार्जर, क्योंकि अगर हम कहीं पे जाते हैं तो एक्स्ट्रा बैटरी हमारे पास होनी चाहिए। अलग से लिया, उसका प्राइस है 400 दिरहम का, ये मैंने अलग से लिया है, इंडियन 8,000 के आसपास ऊपर ही होगा, 8,500 या 9,000। तो पूरा जो मुझे ये पूरा पड़ा हुआ है ये पड़ गया है 42,000 के आसपास मुझे पड़ गया है पूरा विद एक्सेसरीज।
तो वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं हम नई वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।